हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, अभी जो मैं सो के उठा हूँ, बाहर हो रही है बढ़िया से धूप एंड आज छुट्टी है, मतलब संडे है आज, तो अब बेसिकली हमें स्कूल नहीं जाना, ये बढ़िया बात है वाली। एंड कल वाले व्लॉग में सैटरडे था, मैंने गलती से संडे बोल दिया, ठीक है। तो सोफा वाले के पास भी जाना है तो बस इस लड़के को खेलना खेलना। भैया के जूते, जूते लाना है। भैया के जूते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि साइकिल से मैं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा राइडर हैं। भैया के जूते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भैया के जो पैर है ना उसमें छाले पड़ रहे हैं, अभी इतना टाइट है वो जूता स्कूल का, तो हम नया लेंगे बाहर से क्योंकि स्कूल से नहीं होता। कितने सारे काम है चाचू, चले गए शाम तक, चलेंगे 4-5 बजे तक। अब डांटती क्यों नहीं हो, बोल रही हूँ। बच्चे तुम सुनते हो क्या? हाँ हाँ, कहीं नहीं सुनता। हम सुनते हैं। कैसे नहीं सुनते, कब सुनते हो? पढ़ाई को कब पेपर आ रहे हैं तो पढ़ाई करो। डन, याद हो गया? अभी याद हो गया, अभी ना पढ़े थे। हाँ कल कर लिया था मैंने, 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर सुना दिए। ग्रामर पोर्शन वो आके कराएंगे। साइंस ही ना, साइंस का तो साइंस साइंस का पेपर कल था तो तूने याद किया ही किया था। अब आगे को साइंस के बाद क्या ना उसकी तैयारी कर, उसी की करी ना, इंग्लिश की, इंग्लिश का पेपर था। साइंस का नहीं, अब कर 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 देख तो कहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक करोगे, करो। दो चैप्टर काम ही क्या है पढ़ाई के अलावा। 2 लिटरेचर के चैप्टर थे, दोनों याद हो गए। ग्रामर पोर्शन वो आगे कराएंगे सर। पढ़ाई के अलावा काम ही क्या है तुम्हारे पास, बताओ। पता नहीं, पढ़ पढ़ के जाने कितने होशियार बन जाओ, पर नहीं है ही हम होशियार, क्या करें, क्या होशियार है। क्यों नहीं हूँ, इकलौता होशियार दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ ना, एल्ब आइंस्टाइन से तो कमी हूँ। एक बार करने में 4 बार अटकल। एल्ब आइंस्टाइन, अरे वर्ड यस है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन, यही है यही है, फिर वो गूगल करो यार। तो भाई अभी हम जा रहे हैं जूते लेने भैया के। ओ मैंने बताया था ना आपको कि भैया के जूते बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, भैया को रहे जूते चाहिए, तो उसी वजह से अभी हम जा रहे हैं भैया के शूज़ लेने। पहले तो थोड़ा बहुत रह रहा था, पूरा बन चुका है। तो गाइस अभी ये है डी गेट, पहले डी गेट नहीं है तो गाइस ये चलो, उनका ये एक गेट है जो पहले नहीं बना था लेकिन अभी पूरा बन गया है। हमने आपको पहले भी दिखाया था पहली वाली कुछ वीडियोस में। फाइनली हम एक दुकान पर हैं भैया के शूज देखने के लिए, तो देखते हैं कौन शूज लेगा भैया। तो अभी भैया फर्स्ट जूता पहनने का मतलब ट्राई कर रहा है फर्स्ट शू। डील है ठीक है, थोड़ा डील है, मुझे आ टाइम पर मुझे भी थोड़े मोटे हैं। तो भैया के शूज़ तो हमने एक ही बार में ले लिए हैं, ब्लैक शूज़ लिए हैं स्कूल के लिए, वो अभी पेमेंट वगैरह चल रही है और ले लें। मुझे सामने जाना है, मेरा सामने
शूज तो चलते हैं अब सीधा। पापा ने हमें गली में छोड़ दिया है, हम गली से वहाँ तक चलेंगे अपने आप को। ठीक है तो चलते हैं अब घर। वैसे यहाँ की रोड बड़ी ख़राब है। अभी हमारी वो बाइक आई, बाइक फंस गई थी यहीं पे जाते टाइम, तो भैया ने अपनी बाहुबली पन्ना दिखाया और निकल गई। निकल गई, उठाई उठा के साइड करी मैंने। तो हम घर पहुँच चुके हैं। हमने तो शूज़ एक ही बार में पसंद कर लिया, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब शूज़ वगैरह होता है मतलब डेली वाले उसमें बच्चा टाइम ब्लैक ही होने हैं सारे जूते होंगे, जूते सारे एक ही। तो अभी मैं अम्मा को देने वाला हूँ मेरी पहली यूट्यूब की पेमेंट। चलिए अम्मा, मेरे पहले यूट्यूब के पैसे आ गए। कहाँ से आगे पास? मेरे पैसे मुझे वापस कर। अरे भाई बाबा आए थे एंड बाबा लेके आए हैं चीज़, मतलब चॉकलेट वगैरह लेके आए हैं। तो अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या लेके आए हैं बाबा, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है और आ गए भगवान के दर्शन। तो आपके तो रोज ही होते हैं, सहन हो गए। हम आने वाले थे, हम आए जगह नहीं सुबह, मसूती रह जाती घर से ही, फुर्सत नहीं है। हाँ वो भी सेवा में लगी रहती है अम्मा बस। हाँ पेपर हम पढ़ाओ, हम आप थोड़ी पढ़ाती, हम तो खुद ही पढ़ते हैं। ठीक है हैं, यहाँ पर है। अरे ये क्या? हाँ तो यहाँ पर है चार पक, पक नहीं है पर के, तो हमें इससे मतलब है बस। तो हम लेके चलते हैं अपना, खाएंगे आराम से। तो गाइस अभी हमने टीवी चला रही है क्योंकि अभी हम खा रहे खाना। खाने में है पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि खा चुका है, मेरा खाना उधर रखा है। एंड पता नहीं मेरी तबीयत पत्ता गोभी की सब्जी है, और मैं देखिए रोटी होती
कुछ नहीं, तो पता नहीं मेरी तबीयत ही खराब लग रही है, अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो मतलब आई एम नॉट फीलिंग बेटर, तो थोड़ी देर रेस्ट करते क्या पता ठीक हो जाए, वरना अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं पेपर देने जाऊँगा, एंड उसके बाद मैं पेपर दूँगा तो उसके बाद आ जाऊँगा पेपर दे के, अगर यार तबीयत ठीक नहीं हुई तो। तो गाइस इसी के साथ मैं श्लोक को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दिखी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's only you.